बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिया कॉलेज जाते हुए जो ब्रिज पड़ता है उसके पास ये एक होर्डिंग देखी मैंने, के ई कराची की तरक्की, और उससे आगे लिखा हुआ है पाकिस्तान की खुशहाली के ई। देखकर तबीयत खुश हो गई, बाग बाग हो गई, और दिल चाहा कि इनके जिम्मेदारान अगर मेरे सामने आ जाएं तो मैं उससे सवाल करूं, उन कमबख्तों से, उस कौन सा नकवी है वो, उससे पूछूं। अब राज ग्रुप का मालिक जो है कि बेगरत तुम कहां से तुमने कराची को तरक्की दी और पाकिस्तान को खुशहाल किया। ये वो खबीस लोग हैं जो पाकिस्तान की जड़ों में बैठे हुए हैं। ये वो खबीस इदारा है जिसने शहर कराची में रहने वाले एक एक फर्द का जीना दोभर किया हुआ है, उनकी ज़िंदगी अजाब की हुई है। घटिया किस्म के और दो नंबर तरीके से बिल बनाना, मीटर को तेज़ करना, जलालत वाले बिल भेजना, बिजली का गायब होना, लोड शेडिंग से शहरियों की ज़िंदगी को अजाब में मुब्तला करना, और लिखा है पाकिस्तान की खुशहाली। ये वो इदारा है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हर साल अरबों रुपए की ये बेगरत हुकूमत पाकिस्तान से ग्रांट लेते हैं, ठीक है, सब्सिडी लेते हैं, और कहते हैं कराची की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली। इन बेगैरतों को चाहिए कि सबसे पहले इस बोर्ड को यहाँ से हटाएं और लिखें कराची की तरक्की की जगह लिखें कराची की तनजुली, और पाकिस्तान की खुशहाली की जगह लिखें पाकिस्तान की बदहाली। के इलेक्ट्रिक का स्लोगन होना चाहिए कराची की तनजुली और पाकिस्तान की बदहाली। ये वो बेगैरत इदारा और जलील इदारा है जिसने पाकिस्तान का और शहर कराची में रहने वाले लोगों का जीना दोबर कर दिया है।